नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8565309906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में UPPSC प्रीलिम्स इस एग्जाम के लिए हम जो पेड क्विज देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे उसको, ठीक है। और आज के फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे यहाँ पे। 13 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रयाग महाकुंभ यानी प्रयागराज की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो 2025 में ये आयोजन होगा, है ना। तो पूछा ये गया है कि महाकुंभ कितने साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो आपको पता है कुंभ मेला किन स्थानों पर भारत में आयोजित होते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ठीक है। तो इनकी भी कैटेगरीज होती हैं अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ। तो महाकुंभ जो है ये आयोजित होता है 12 सालों में एक बार। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पर्टिकुलर राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए आई स्टार्ट कनेक्ट पोर्टल, ठीक है, टैलेंट कनेक्ट पोर्टल इसका पूरा नाम है, नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है, और इसको लॉन्च किया है राजस्थान ने। किस राज्य के कुरनूल जिले में बन्नी उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है। बन्नी फेस्टिवल मनाते हैं इसमें आंध्र प्रदेश में, ये कुरनूल डिस्ट्रिक्ट जो है, ये बेसिकली जो जैसे दशहरा होता है ना विजयदशमी, उसी का एक रूप है, तो रीजनल लेवल पे इसको मनाते हैं, उस हिसाब से ध्यान रखिए। 3 और 4 नवंबर 2023 को भारतीय सेना, इसको ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा एक सिक्योरिटी डायलॉग है जिसका नाम दिया गया चाणक्य रक्षा संवाद 2023। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो न्यू दिल्ली में, है ना, ऑप्शन बी। अक्टूबर 2023 में रॉबर्ट फिको, ये व्यक्ति का नाम है, किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो नाम ध्यान रखेंगे इनका। और अपॉइंटमेंट सेक्शन में कई बार इस तरह की चीज़ें पूछ लेते हैं, स्लोवाकिया, आप जरा हमको ये बताइए कि ये किस कॉन्टिनेंट में है, जरा कमेंट करिए। अक्टूबर 2023 में किस देश में आयोजित 7वें भविष्य निवेश पहल, ये एक तरीके का इवेंट है कह लीजिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 7th एडिशन, तो इसमें भारत की तरफ से भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सम्मिलित हुए, तो ये आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ हमको ये बताना है, ठीक। तो ये जो है रियाद सऊदी अरेबिया में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी लंबाई बहुत नहीं बढ़ पाती है, जैसे है ना 1.5-2 फीट के कुछ छोटे छोटे लोग होते हैं थ्रू आउट अपने लाइफ स्पैन में, ठीक है। तो जो है एक बोन की ग्रोथ का डिसऑर्डर होता है ना, इसको जो है ये एक्नोट्रोप्लिसिया भी बोलते हैं, इस टर्म को भी ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये मनाते हैं 25 अक्टूबर को, ठीक है, इसके बारे में विश्व भर में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। हाल ही में मेरा हो चोंगबा उत्सव, ये देखिए, ठीक है, तो किस राज्य में आयोजित किया गया, तो ये मणिपुर में आयोजित होता है, ठीक है, अक्टूबर मंथ में जो है अराउंड इसको आयोजित किया गया। बेसिकली स्टेट के जितने भी एथनिक ग्रुप हैं वो स्टेट, मतलब ये एक तरीके से कम्युनिटी वाइज इसको एक तरीके से कह लीजिए स्टेट की प्रॉस्पेरिटी और इन सब चीज़ों को एक सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से इसको आयोजित किया गया, ऑप्शन सी। किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023, इसमें भारत की तरफ से पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया है, ठीक है। तो इसमें पहले हमें बस ये ध्यान रखना है इवेंट कि जो है इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन एशिया, ये इवेंट जो है आयोजित हुआ था 25 से 27 अक्टूबर 2023, ठीक है, और कहाँ पर आयोजित हुआ था ये बताना है, तो सिंगापुर, ठीक है, और इंडिया की तरफ से टूरिज्म मिनिस्ट्री जो यूनियन की है उसने पार्टिसिपेट किया है। एक ग्लोबल ग्रुप है S&P, ठीक है, तो इनके अनुसार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक जापान तथा जर्मनी से आगे निकलेगी। तो रिसेंटली इन्होंने जो है कुछ आंकड़े दिए हैं कि GDP जो विश्व लेवल पे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उस रेफरेंस में इंडिया ओवरटेक करेगा किससे, जापान और जर्मनी से बाय ईयर 2030, ठीक है।
तो S&P का ये जो है एक एस्टिमेशन है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पे इंडियन इकोनॉमी जो है अभी किस पोजीशन पे है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, क्या है, कमेंट करिए जरा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अक्टूबर 2023 को यूरोपीय संघ और भारत ने मिलकर के अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है जिसमें नेवी रेस्पेक्टिव पार्टिसिपेट कर, मतलब इन्होंने किया है, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो अफ्रीका में देखेंगे, इधर जो है नाइजीरिया और जो इधर के ये टोगो वगैरह जो देश हैं उसके नीचे ये आपका गल्फ ऑफ गिनी है ना, इसकी लोकेशन है, तो यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, ठीक। तो ऑप्शन डी, एक बार मैप पे जरा लोकेट कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कर रही है, तो जैसे खेल कूद के सामान के लिए काफ़ी फेमस, पहले से आप लोग जैसे स्टैटिक यूपी जीके में पढ़ते आ रहे होंगे कि मेरठ काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, तो उससे याद करिएगा कि मेरठ में जो है इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है, तो अभी रिसेंटली जो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस है ना, इसका आयोजन हुआ था, वहाँ पे इस चीज़ को मतलब एक तरीके से प्रेजेंटेशन दी गई कि जो रिलायंस जियो है ना, ये लोग अपना एक सैटेलाइट बेस्ड हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला सिस्टम जो है ये डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। प्रदूषण से निजात पाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इस अभियान को शुरू किया गया है, तो दिल्ली में दिवाली के आसपास आप देखते हैं कि ये स्मॉग की घटना जो है बढ़ जाती है, तो आप लोग जरा है ना इसको साइंस के रेस्पेक्ट में कह लीजिए, इस चीज़ को पढ़िएगा कि स्मॉग के क्या क्या फीचर होते हैं, दूसरे तरह से क्वेश्चन भी कई बार साइंस के उसमें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो रेड लाइट, जैसे मान लीजिए किसी सिग्नल पे आप जा रहे हैं चौराहे से, रेड लाइट हो गई तो आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, तो कुछ देर के लिए तो पॉल्यूशन कम होगा ना उससे, तो इस प्रकार से ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है दिल्ली में। उत्तर प्रदेश का अंतिम विभाजन कब हुआ था, ठीक है, तो जैसे ब्रिटिश टाइम पीरियड से देखें मुख्य रूप से, तो कई बार स्टेट को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करा गया है। अभी जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो प्रेजेंट में जो स्वरूप है ना, उसमें क्या हुआ था कि वर्ष 2000 में, यानी कि अगर अब जैसे यहाँ पे इन्होंने 2000 के सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो ये नवंबर में, ठीक है, क्या हुआ था कि हमारे जो 13 पहाड़ी जिले थे उनको अलग करके उत्तराखंड स्टेट बना दिया गया था, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हम इस चीज़ को चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद से हमारे जो अभी जो स्वरूप है मैप, ये ऐसा स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है, मतलब थी कह लीजिए, तो हालांकि अब इसको एज अ स्टैटिक फैक्ट याद कर सकते हैं, क्योंकि अब वर्तमान में देखेंगे तो बहुत सारे राज्यों में जिलों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो बहुत सारे इससे ज़्यादा जिले हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताई गई थी 640। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में लगाएं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ऐसे, ठीक है, तो लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र यानी 4, फिर हरदोई और सीतापुर, तो 1432 ऑप्शन सी। मैप पे जरा इन चीज़ों को लोकेट कीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश का नवीनतम नगर निगम कौन सा है, ठीक है, तो कुछ बड़े जिले जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं, तो उनकी कुल संख्या है 17, पहले तो इस बात को ध्यान रखेंगे, और जिसमें से सबसे नया है शाहजहांपुर जो बनाया गया था 2018 में, ठीक है, तो यहाँ पे इसको चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जिले नेपाल की सीमा को छूते हैं, प्लीज़ इसको मैप पे देखिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं इनकी संख्या कुल 7 जो नेपाल से टच होते हैं। अब यहाँ पे गोंडा नहीं होगा, गोंडा जहाँ जहाँ यानी दो नंबर को काट दीजिए है ना, तो 1, 3, 4 आंसर हो जाएगा। जैसे सारे जिले जो हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ठीक है, बहराइच, श्रावस्ती, यहाँ पे देखिए मिल रहा है, बलरामपुर मिल रहा है, ठीक, इसके अलावा सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था, आज़ादी के पश्चात जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन होकर के फॉर्मली पहली असेंबली इंडिपेंडेंट इंडिया की गठित हुई, इसकी डेट थी 8 मार्च 1952, ठीक है, इस डेट को याद रखेंगे। अभी वर्तमान में हमारी जो विधानसभा चल रही है ये 18th है, और ये जो है लास्ट ईयर 11 मार्च 2022, ठीक है, तब से है।
अगला है सिंगरेनी कोयला खदान किस घाटी में स्थित है? तो रिवर वैली, ये आपकी प्राणहिता और गोदावरी है ना, तो यहाँ पे गोदावरी मिल रहा है, इसको चुनेंगे। तेलंगाना में यहाँ पे ये स्थित है। किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की प्रथा बंद कर दी थी? ठीक है, तो मुगल बादशाह जो है, कह लीजिए तरीके से अपने बालकनी में है ना आकर के अपने जो उस उनके कह लीजिए प्रजा थी उससे मिलते या ग्रीट होते थे, तो ये बेसिकली एंटी इस्लामिक है ना बता करके बंद किया था औरंगजेब ने। ऑप्शन डी को चुनेंगे। ठीक है, ये बताइए इसको स्टार्ट किसने किया था, कमेंट करिए, पहले ये बताया गया हुआ है। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? ठीक है, तो काफ़ी पॉपुलर है एलोरा केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसमें देखेंगे एलोरा में केव नंबर 16, ठीक है, इसमें है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अरुमोली वर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? तो काफ़ी पॉपुलर चोल किंग था राज राज फर्स्ट है ना, इसके रेन में आप देखेंगे तो जो चोल डायनेस्टी थी एक्सपैंड किया उसने जो है श्रीलंका से लेकर के इधर कलिंग है ना कह लीजिए नॉर्थ तक, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका नाम ध्यान रखेंगे। 30 अक्टूबर 2023 से भारतीय सेना और वायुसेना किस देश के साथ काजिंद 2023 युद्धाभ्यास करेगी? तो बेसिकली ये आयोजित हुआ था काजिंद 2023, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, और जो लोकेशन थी लोकेशन भी ध्यान रखनी है, पूछा जाता है, तो ये था आपका इसमें ओटार है ना, ओटार है कजाकिस्तान में ही। काफ़ी पॉपुलर गीता प्रेस गोरखपुर जो में है, ये कई सारे जो ये हमारे रिलीजियस बुक्स होती हैं इसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल जी का निधन हुआ, तो ये बताना है कि गीता प्रेस गोरखपुर को किस वर्ष के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। काफ़ी पॉपुलर था ये जो अवार्ड मिला था, जब कई सारे इवन एग्जाम्स में भी पूछा गया था, तो इसमें ध्यान रखेंगे। कई बार ये पूछ लें कि बैजनाथ अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किससे संबंधित थे। ठीक है, तो ट्रस्टी थे गीता प्रेस गोरखपुर के, और यहाँ पर ये जो गांधी शांति पुरस्कार मिला था वो वर्ष 2021 एडिशन का मिला था। हाल ही में खबरों में रही कोस्तेंको, ठीक है, इस नाम को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये कोयला खदान किस देश में स्थित है? तो इसमें कजाकिस्तान की एक ये कोल माइन है काफ़ी पॉपुलर, और हुआ क्या था कि इसमें जो है अक्टूबर लास्ट में जो ये हो गया था, मतलब आग लग गई थी, तो कई सारे जो है मतलब 15 से ज़्यादा लोग जल गए जो है मर गए थे, तो इस वजह से चर्चा में रही थी, इसको ध्यान रखना है। अक्टूबर 2023 में भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारियों का कौन सा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ? कोस्ट जो हमारे इंडिया के हैं उसको सुरक्षित करने से संबंधित जो कोस्ट गार्ड फोर्स है, तो उसके सबॉर्डिनेट ऑफिसर से एक मीट हुआ, तो न्यू दिल्ली में, लोकेशन ये है, और ये जो एडिशन था 6th है ना, थीम जो थी इसकी ये हो सके तो याद रख सकते हैं टूवर्ड्स एन इंक्लूसिव अप्रोच। अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान हामून का नामकरण किस देश ने किया? तो नाम ध्यान रखना है, ये जो है इस तरह के जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह होते हैं ये पूछे जाते हैं, तो इसका नेम जो दिया था ईरान ने। ठीक है, ऑप्शन डी को चुनेंगे हम, और जो है लोकेशन ध्यान रखिएगा बे ऑफ बंगाल की तरफ। किस देश की एक अदालत ने हाल ही में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई? काफ़ी चर्चा में रहा था ये, और ये जो है कॉन्स्पिरेसी के केस में है ना एक तरीके से जो है ये मौत की सज़ा सुनाई गई थी इसमें कतर में। अक्टूबर 2023 में गाजा संघर्ष जो स्टार्ट हुआ है उस पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ था कायरो है ना, यानी इजिप्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस राज्य का कासरगोड जो है एक ये जिला है? ठीक, तो इस डिस्ट्रिक्ट ने अपना एक ऑफिशियल पेड़ फूल पक्षी है ना और प्रजाति है ना इन चीज़ों को घोषित करने वाला भारत का पहला जिला बनाया। तो जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश स्टेट की हम बात करें तो जैसे स्टेट ट्री है अशोक का वृक्ष, ठीक है, तो ऐसे हमारे जो स्टेट सिंबल्स हैं तो वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा पहला जिला बन गया है भारत में जो कासरगोड है, तो कहाँ पर है ये? केरला में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो ये चीज़ें इन्होंने डिक्लेयर की हैं हो सके तो इनके बारे में सर्च करके देख लीजिए कि क्या क्या है ये है ना, मतलब कौन सा पेड़ है कौन सा फूल है।
मौलिक अधिकारों की संरक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन से रिट हैं, यानी कि जो हमारी रिट्स मेंशनड है आर्टिकल 32 में, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो इसके द्वारा जारी की जा सकती हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए जो है हैबियस कॉर्पस मैंडमस, ठीक है, इनको मुख्य रूप से इशू किया जाता है। बेला सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, देखने में लगते हैं लेकिन होते बड़े घातक हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, है ना, इस तरह की चीज़ें वैसे भी कोई नहीं पढ़ता है, तो थोड़ा इस तरह की लिस्टिंग्स को भी हो सके तो ध्यान से पढ़ा करें। झील है ना, तालाब या इस तरह की जो वाटर बॉडीज़ हैं, स्पेशली अक्सर ये आजकल पूछी जा रही हैं, तो ये है इसमें महोबा में, ठीक है। अल्फा बीटा तथा गामा किरणों के बारे में सत्य कथन यानी सही कथन कौन सा है? तो देखिए, इन तीनों के बारे में अलग अलग डिटेल में भी पढ़ना आपको ज़रूरी है, इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे अल्फा कणों का द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, हम इसको यहाँ पे सही चुनेंगे, अन्य विकल्प जो हैं वो गलत हैं। एक बार इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, इन तीनों चीज़ों के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा समाविष्ट किए गए? तो देखिए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये वर्ड्स ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट में 1976। पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत इसमें से कौन सा है? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत पॉपुलर है बिरहा, ठीक, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो थारू ट्राइब है, बुद्धिस्ट एक तरीके से उससे आस्था से जुड़े हुए लोग होते हैं ये, तो ये मनाते हैं दिवाली को एक तरीके से शोक का पर्व, ठीक। और इधर देखेंगे तो उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं ये, बिहार में। सैडल पीक या चोटी कह सकते हैं हिंदी में, कहाँ अवस्थित है? तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में देखेंगे तो नॉर्दर्न अंडमान आइलैंड्स का भी ये पार्ट है, ठीक है। किताब उल हिंद एक प्रमुख पुस्तक है जो है मुस्लिम शासन को देखेंगे वहाँ के स्टार्ट के रेफरेंस में, तो इसको लिखा था जो है अल बरूनी ने, है ना, ईरानियन स्कॉलर था, और इसमें कुल जो है ये 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, एक आध बार ये भी पूछ लिया गया था तो ध्यान रख सकते हैं। अरेबिक में लिखी गई थी, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, जैसे ह्यूमंस के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, तो वैसे 2 चैम्बर किसके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में? तो फिश जो होती हैं इनमें होता है 2 चैम्बर। किस रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो काफ़ी पॉपुलर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो आप परिभाषा देखते हैं उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं माना जाता है इसी से, तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट एक आई थी, है ना, 1987 में, ठीक। हाल ही में मशहूर जलवायु विशेषज्ञ सलीमुल हक, इनका 71 ईयर्स में निधन हुआ, वे किस देश से संबंधित थे? तो वैसे तो ओरिजिन के थे बांग्लादेशी, लेकिन बांग्लादेश ब्रिटिश कह सकते हैं इन्हें, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर एक जो है हमारे क्लाइमेट एक्सपर्ट थे, 28 अक्टूबर को इनका निधन हुआ है, तो ध्यान रख सकते हैं ऑप्शन सी। टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक, ये थीम है किसका? विश्व स्ट्रोक दिवस का। तो ये जो है कब मनाया गया कुल मिलाकर के ये पूछा गया है, तो ब्रेन से संबंधित जो स्ट्रोक हैं उन सब से अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 अक्टूबर को, ठीक है। थीम हो सके तो ध्यान रखें, थीम्स को प्रेफर करा करें कि इंग्लिश में जो लिखा हो उसको पढ़िए, आप कहीं से पढ़ रहे हैं किसी भी सोर्स से, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन उसके कई बार सही हो नहीं पाते हैं तो गलत हो जाता है वो। नेक्स्ट है से नो टू करप्शन कमिट टू नेशन, ये थीम है किसका? मतलब ऑर्गेनाइज किया गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023, तो हमें ये ड्यूरेशन बतानी है, ये वीक जो ऑब्जर्व करा गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, तो ये था 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, ठीक। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो फादर जो है कह लीजिए यूनिफिकेशन के जो कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो 76th सेशन के लिए जो ये
चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं अभी रिसेंटली भारत की तरफ से, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं यूनियन के, मनसुख मंडाविया है ना, इनको चुना गया है, तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है, इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये पेड क्विजेस काफ़ी जो है इफेक्टिव हैं, तो प्लीज़ आप लोग अगर इसको इसमें अगर जुड़ना चाहें तो हमारे पेड ग्रुप्स से जुड़ सकते हैं या फिर सिर्फ पेड क्विज में भी जुड़ सकते हैं, उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इससे जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।